हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिर्फ तीन चीज़ों से बना रहे हैं गेहूं का हलवा। ये एक गोवन स्टाइल की रेसिपी है और इसको दोदल भी कहा जाता है। और ये मेरे सासू माँ ने मुझे सिखाया है और मैं आज आपको इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगी। और ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूँ लिया है और इसको आपको 7 से 8 घंटा भिगो के रखना चाहिए। फिर हम इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं, अच्छे से बारीक कर लेते हैं और इसका हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, हमने गेहूं को अच्छे से पीस लिया है और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी को भी निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 लीटर नारियल का दूध और नारियल दूध बनाने के लिए एक बड़ा वाला नारियल को मैंने मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया है और उसका मैंने दूध निकाल लिया है। ये लगभग 1/2 लीटर है। अब हम जो हमने गेहूं का पेस्ट जो बनाया था उसका जो लम्स वगैरह रहते हैं उसको हम निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से छान लेते हैं। इस गेहूं के पेस्ट में जितना भी हम गेहूं का दूध निकाल सकें उतना हम निकालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी को डाल के इसका जो दूध है हम पूरी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने गेहूं के पेस्ट से 1 लीटर जितना गेहूं का दूध को निकाल लिया है और अब हम इसको पकाने वाले हैं। गैस पर हम एक वेसल को रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे लगातार। देखिए, अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो हम इसमें डालेंगे नारियल दूध 1/2 लीटर और हम इसे चलाते रहेंगे लगातार। और अब हम इसमें डालने वाले हैं 1.5 कप जितना चीनी और इसको अच्छे से मिक्स करने वाले हैं और इसे चलाते रहिए लगातार। और आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। इस स्टेज पे भी आप गैस को ऑफ कर सकते हो और फ्रिज में रख के आप पी सकते हो या फिर ठंडा करके भी आप पी सकते हो या फिर आप थोड़ा सा गर्म भी पी सकते हो। और मुझे थोड़ा सा हलवा जितना कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं इसे और भी थोड़ा सा पकाऊंगी, जाड़ा करूंगी। अब ये गाढ़ा हो गया है सो हम इसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सेट होके रेडी हो गया है और मैंने इसके ऊपर पीनट से गार्निश किया हुआ है। आप चाहिए तो पकाते समय ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो और या फिर आप ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से डाल के सजा सकते हो। सो हम इसे कट करने वाले हैं। अभी मैं अब इसको डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्वायर में भी कट कर सकते हो या फिर आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।